हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक वेलोसिटी मोंटाज इन प्रीमियर प्रो। वीडियो में बनने से पहले जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज ऑल कर लेना। मैं डेली 4 बजे स्ट्रीम करता हूँ, रोज 4 बजे स्ट्रीम्स होती हैं एंड हर मंथ 3 से 4 मोंटाजेस भी अपलोड होती हैं। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे एक जो मेरी क्लिप है वो डाल चुका हूँ। अभी मैं दोनों के दोनों मेथड दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल वाला जो होता है, सिंपल एंड ईजी वाला, वो वाला ट्राई कर लेते हैं। तो लाइक मेरे को इस वाले पार्ट से चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने सी वाला बटन दबाया, सी वाला जो कीबोर्ड पे होता है, इससे होता है रेजर टूल, क्लिक किया, देन ये कट हो गया एंड जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इसको ले गया। तो अभी ये स्टार्टिंग का पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का पॉइंट हमें इतना ज़रूरी नहीं है। फिर इसको ऊपर ट्रैक करेंगे, इसको स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे, इसको हम दे देंगे 30। अब अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी क्लिप कितनी अच्छे से वो उसको हैंडल कर पा रही है। और ये ऑब्वियसली मैं हर एक, मतलब जो अभी सारे मोंटाजेस से, मैं इसको 30 पे ही रखता हूँ, इससे नीचे करने की ट्राई नहीं करता क्योंकि इससे नीचे बहुत ज़्यादा ही मेरे फ्रेम्स लैग हो जाने लग जाते हैं। ये जैसे हुआ एंड इसको करना है हमें, इसको 30 क्या ना, तो इसको कर देंगे 500 या फिर 400। तो पहले 400 करके देखते हैं। अभी 400 में बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया, ओ मतलब 500 में बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया। तो अभी हम इसको 300 करके देखते हैं, 300 में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एंड इसको कर लेते हैं फिर से स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके इसको 30। तो कुछ ऐसा आप देख सकते हो। ओ सॉरी, हमने इसको ऑप्टिकल फ्लो करना ही भूल गए, ऑप्टिकल फ्लो। तो हमें अभी इसको थोड़ा सा और देना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्लो। तो 25 करके देखते हैं। तो 25 थोड़ा सा ठीक लग रहा है एंड इसको फिर से कर देते हैं 300। इसको फिर स्लो कर देते हैं, इसको कर देते हैं 30 एंड इसको कर देते हैं 300 लास्ट वाले को। सॉरी गाइस, मैं बार बार भूल रहा हूँ पर तुम भूलना नहीं कि ऑप्टिकल फ्लो करना है। तो आप देख सकते हो, इसको एक बार रेंडर कर लेते हैं, रेंडर के बाद देखते हैं। तो अभी रेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आप गाइस। कितनी स्मूथ स्लो मोशन लग रही है, ऐसा स्लो मो देखने में मजा आते हैं, इन्हीं को ही वेलोसिटी कहते हैं। देखो गाइस, ये हमारा, ये स्लो, ये फास्ट। तो ऐसी होता है वेलोसिटी। तो अभी जो सेकंड मेथड है, लाइक मैं अभी इसमें जो साउंड हम डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा पहले डल गया, थोड़ा सा पीछे को डालते हैं। तो कुछ इस तरह वीडियो बन गई। तो इस तरह आप बिल्कुल स्मूथ स्लोमो बना सकते हो। इनको अनलिंक करना होता है, ये स्टेप मेथड 2 है। तो अभी इसको म्यूट कर लेते हैं। तो ये रही वीडियो, जैसे कि आप पहले भी पार्ट 1 में देख चुके हो एंड इसने किल किया एंड ये मुड़ गया। अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर, टाइम इंटरपोलेशन, ऑप्टिकल फ्लो, देन फिर से नीचे जाना, ऑप्टिकल फ्लो हो चुका है। देन यहाँ पे क्लिप का की फ्रेम लेके यहाँ पे टाइम रैंपिंग करेंगे स्पीड को लेके। ठीक है गाइस, देखना एक बीच में ना एक लाइन बन गई होगी। अब इसी लाइन के ऊपर ही हम बनाएंगे पूरी वीडियो। जैसे कि इसने यहाँ पे नाइफ घुमाया, ठीक है, हम इसको रखने वाले फास्ट, ओके। सो हम कर देते हैं इसको 300। इसको ऊपर पकड़, लाइन को पकड़ के बस ऊपर की तरफ ड्रैग करते रहना, 300 हो गई। एंड अब एक इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब वो नीचे चली गई भाई, ओ ये रही।
जैसे कि हम मुझे यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे की फ्रेम है, ऐड की फ्रेम, ठीक है, डाला जैसे। अब इसको हम कर देते हैं, कितना किया था हमने, 30 किया था, है ना, तो 30 कर देते हैं इसको। ये नहीं है कि मैं 30 कर रहा हूँ तो आप भी 30 करो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो आफ्टर की फ्रेम बनाने के बाद इसको हम कर देंगे 30, जो हमने पार्ट वन में भी रखा था, 30 कर दिया। देन इसके बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए इसको थोड़ा सा 15 या फिर 10 सेकंड तक इधर पीछे की तरफ खींच लेना, एंड जूम करके इसको एक बार ना, ये जो आप दिख रही है ये बीच में जो नॉक जैसा, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। जो स्लो एंड फास्ट के बीच में जो स्मूथ ट्रांजिशन है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो लाइक जैसे यूँ फास्ट आया एंड ये स्लो हुआ, तो इस ट्रांजिशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये जो मिड पे जो इसका जो नॉक जैसा है जो भी है, इसको आप ऐसे घुमा घुमा के इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक थोड़ा एस बनाओगे तो थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन बनता है। तो ये आप देख लेना कर करके, ट्राई कर करके कि हाँ भाई कौन सी स्मूथ लग रही है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसने यहाँ पे अपना ऑपरेटर को स्लो कर दिया हमने, जैसे यहाँ पे फास्ट देन स्लो, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, फिर से की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसको कर देंगे 300। अब ये यहाँ पे किल करेगा तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, इसको पकड़ के फिर एस 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 जैसा बनाएंगे थोड़ा शेप। इसका भी कुछ एस जैसा ही बन गया शेप। अब जहां पे ये किल कर रहा है उससे थोड़ा सा पहले यहां पे फिर से एक की फ्रेम बनाएंगे एंड इसको कर देंगे 30 फिर से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्लो फास्ट किस तरह से, वेलोसिटी जो हम बना रहे हैं वो किस तरह से काम करता है। एंड यहां पे फिर से इसको हम पकड़ के ऐसे बना देंगे। चाओ थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा और होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे फिर से स्लो स्टार्ट हो गया। सो अभी देख लेते हैं शुरुआत से, ये फास्ट हुआ एंड ये स्लो हुआ एंड ये फिर से फास्ट हुआ एंड ये किल करने के बाद फिर से स्लो हुआ यहाँ तक। देन इसके बाद फिर से हम की फ्रेम डालेंगे एंड इसको कर देंगे 300। तो गाइस जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप मे भी समझ पा रहे हो कि किस तरह से वर्क करता है ये जो वेलोसिटी है। तो इसको जैसे ये हमने बढ़ाया, फिर इसको हमने कर दिया फिर से एस वाला शेप दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, दे दिया। अब ये यहाँ पे आया, देन यहाँ पे मेरे को फिर से एक बार इसको और स्लो में डालना है क्योंकि मेरे को नाइफ का एनिमेशन दिखाना है। तो नाइफ जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो वाला पार्ट पे जाओ एंड फिर से की फ्रेम बनाओ एंड 30 फिर से 30 कर दो। और भी कम कर सकते हो आप अपने हिसाब से कि नाइफ की एनिमेशन कितनी अच्छी दिखानी है आपको, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब फिर से इसको हमने एक नॉक दे दिया, ऐसे भी छोड़ सकते हो। वैसे भी स्मूथ ट्रांजिशन आती है बट थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। लाइक तुम अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप हर एक की फ्रेम को लेके तो ऐसे नहीं बैठ पाओगे ना, तो ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मेरा ख़त्म, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 300, ठीक है। अभी इसको कर दिया बिल्कुल लास्ट तक, देखो आप आप देख सकते हो कितना स्मूथ ट्रांजिशंस बन रहे हैं इन वीडियोस के बीच में।
सो इसी को के कहते हैं स्मूथ स्लोमो एंड फास्ट, जो जिसको आप कहते हो सुपर स्लोमो या फिर अल्ट्रा स्लोमो, और जिसको आप वेलोसिटी के नाम पे भी जानते हो। तो वो यही होता है कि स्लो फास्ट करके आप अपने मोंटाज में फ्लो डाल सको। सो लाइक ये तो विथाउट मैं मतलब ऐसी बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो आप इससे भी बहुत अच्छा बना सकते हो लाइक स्लो फास्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड रोज़ मैं 4 बजे स्ट्रीम करता हूँ गाइस, आ जाना जिस पे भी जिसको भी अच्छा लगे मेरा कंटेंट, भाई को सपोर्ट करने के लिए गाइस आना हो तो आ जाना। रोज़ 4 बजे स्ट्रीम होती है। एंड सी या।